तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके सारे भ्रम खत्म करने वाला हूं द लॉ प्रोटेक्शन के बारे में। ये तुमने इधर उधर से जहां से भी सुनते हो ना, यूट्यूब वगैरह या एक दो किताबें पढ़ रखी होगी, जो भी चीजें आपने सुन रखी होगी ना, सारी भ्रांति एकदम आपके दिमाग से एकदम क्लियर होने वाली, सारा कचरा साफ करने वाला हूं मैं आपके दिमाग का आज। तो दोस्तों बढ़ते इस वीडियो में और अपनी जिंदगी में। दोस्तों सबसे पहले एक किताब आई जिसका नाम था द सीक्रेट। आप सभी को उसका उसका नाम मालूम होगा, द सीक्रेट एक बुक आई थी और उसी से सभी लोगों को ये पता चला था कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की भी कोई चीज होती है। बेस्ट बुक लेकिन क्या है, मैं जैसे कि बोलता हूँ अपनी वीडियो में, लोगों को समझना अपने तरीके से। हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या होती है, जिन लोगों को जानकारी होती है ना इन चीजों की, वो अपने हिसाब से सामने वालों को बता देते हैं ये सोच के कि भाई ये लोग समझ गए होंगे, लेकिन बाद में होता उल्टा ही है। वो घंटा नहीं समझते, वो समझेंगे साले अपने ही हिसाब से, समझना उनको अपने हिसाब से ही है। ये प्रॉब्लम हम लोगों के साथ में होती है, ऐसा ही उनके साथ में भी हुआ। तो पहले दा सिगरेट आई तो उसमें से बहुत सारे लोग जो थोड़ा बहुत जानते थे पहले से इन इन चीजों के बारे में, जैसे कि हिप्नोटिज्म हो गया या थर्ड आई ओपनिंग या इन चीजों में जो अध्यात्म में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व है, उनको कुछ चीजों के बारे में पता था, अवचेतन मन की शक्ति, जिनको इन चीजों के बारे में पता था वो उसको अच्छे से समझ गए और उन्होंने उसको अपने ऊपर अप्लाई किया, उनको रिजल्ट मिले, तो उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जो लोगों ने इनको बारे में नहीं पता था, जो आम लोग जो होते हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम सिर्फ द सीक्रेट बुक को ही पढ़ के, उनको लगा कि भाई 2 दिन के अंदर चमत्कार हो जाएगा, अब तो तू कुछ भी सोच ले, आज ही लेट के सोचता हूँ मैं करोड़पति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, तो वो सुबह करोड़पति बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है भाई। ये जो तुमको बताया जाता है ना कि विचारों का खेल, विचारों का खेल, विचारों का खेल, ये एक्चुअली में विचारों का खेल होता ही नहीं है। विचारों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कोई लेना देना है ही नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं है। और ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, अभी रुको जरा, अभी तो वीडियो शुरू हुई है बेटा, रुको सुनो जरा अभी। तो द सीक्रेट जब बुक आई तो जाहिर सी बात है उनके पास में बहुत सारी ऐसी क्वेरीज गई होगी। उसके बाद उन्होंने एक दूसरी बुक लिखी जिसका नाम था द पावर। द पावर में उन्होंने वो चीज बताई, क्योंकि वो समझ गए कि लोग घंटे नहीं समझे, जो समझ गए उनको रिजल्ट मिल गए, और मैक्सिमम लोग समझे ही नहीं, ऊट पटांग तरीके से अभ्यास करते, ऊट पटांग तरीके से फिर बाद में बोलते हैं ये तो बेकार है, ये तो फेल है। जबकि बड़े बड़े लोग भी इसमें शामिल हैं, नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा मैं, लूंगा मैं नाम, संदीप माहेश्वरी, नाम तो सुना ही होगा। हम ऐसे ऐसे लोग भी सवाल उठाते हैं, लेकिन मैं यहां पर कुछ चीजें बताऊंगा। द सीक्रेट के बाद में उन्होंने एक दूसरी बुक एक और रिलीज की जिसका नाम था द पावर। द पावर, द पावर में उन्होंने उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश की, क्योंकि क्यों की एक्सप्लेन, क्योंकि मैं यहां बताता हूं आपको, यहां पर विचारों से कोई लेना देना नहीं है, यहां पर लेना लेना देना जो होता है वो होता है भावना से। भावना, आपके भाव क्या है, आपका फील, फील क्या है, वो आप फील क्या कर रहे हो उस टाइम पे, विचार नहीं। माने कि आप गरीब हो और आपको अमीर बनना है, तो आप ये बोलो बार बार अपने मन में 20 बार 50 बार, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, घंटा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। फील, तो उस फील के लिए उन्होंने दूसरी बुक लिखी जिसका नाम था द पावर। शायद आप लोगों ने ना पढ़ी होगी, या हिंदी में उसका नाम आया था शक्ति। तो वहां पर उन्होंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फिर उससे भी कुछ लोगों ने जो पढ़ी होगी तो उन्होंने भी उसको अपने ढंग से समझा। फिर भाई साहब उन्होंने फिर एक और बुक लॉन्च की जिसका नाम था द मैजिक। द मैजिक को उन्होंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसके बाद उन्होंने फिर एक और बुक लिखी, क्योंकि लोगों के सवाल खत्म होते ही नहीं है। जैसे कि कोई वीडियो बनाता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, 30 30 5 मिनट का वीडियो मैं 20 मिनट में खत्म करता हूँ, ताकि लोगों को, मेरे को लगता है कि भाई सब कुछ मैंने समझा दिया, लेकिन सामने वाला पता नहीं उस बात को किस किस तरीके से समझ लेता है, मेरे को पता ही नहीं चलता खास। ऐसे उनके साथ में उन्होंने फिर एक और बुक रिलीज की,
हीरो, द हीरो, और उसके बाद कोई बुक लॉन्च की है कि नहीं की है अभी इसका अपडेट मेरे पास में नहीं है अभी फिलहाल। मैं इन्हें चारों बुक की बात बता रहा हूँ। ये इसी वजह से हुई क्योंकि अब मैं अपनी बात करता हूँ, किताबों की छोड़ दो आप, बैक टू बैक किताबें लॉन्च करना वो इसी वजह से होता है कि लोगों को समझ में नहीं आया तो और एक्सप्लेन करो, फिर दूसरे तरीके से एक्सप्लेन किया फिर भी कुछ लोगों को समझ नहीं आया, फिर तीसरे तरीके से एक्सप्लेन किया फिर वो भी कुछ लोगों को समझ नहीं आया। तो ऐसे ही जो है ना एक्सप्लेनेशन पे एक्सप्लेनेशन जो है ना वो चलते रहते हैं। अब मैं आपको यहां पे बताता हूं, ऐसी चीज आपको पूरे YouTube पे कहीं पे भी मिलने वाली नहीं है, ध्यान रखना मेरी बात। मैं जो आपको बताने वाला हूं, विचारों का इस चीज से कोई लेना देना है ही नहीं। भाव 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 भाव, भावना भावना, फील फील, आप फील क्या करते हो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि आपको चोट लग गई, आपका एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया, खून बह रहा, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, उस दर्द को आप जिस तरीके से फील कर रहे हो, मतलब मर गया है ये वो जो फील है, वो जो फील है। और उस टाइम पे अगर आपको कोई बोले ये किताब पढ़ लो द सीक्रेट, फिर वो किताब को पढ़े कि आपको ये महसूस करना है कि मुझे दर्द नहीं है, मुझे दर्द नहीं है। अब दर्द तो साले को फील हो रहा है, लेकिन उसको उसने क्या सोचा कि विचारों से ठीक हो जाएगा। अब विचारों में वो बोल रहा है नहीं मैं ठीक हूं, मैं तो बहुत खुश हूं, मैं तो हैप्पी हूं, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपने दर्द के ऊपर गया हुआ है, पूरा ध्यान उसका अपने दर्द पे है। तो फील क्या कर रहा है वो, फील तो दर्द कर रहा है ना विचारों में, बेशक वो बोल रहा है बार 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 कि मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, लेकिन फील क्या कर रहा है, फील कर रहा है वो दर्द। तो जो फील कर रहा है वो एक्चुअली दैट इज द रियल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, नॉट दैट कि व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग एट दैट टाइम, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई सेंस ही नहीं बनती। अब सोचो आपकी जेब में, अभी आप सोचो आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, आपको जो आपने जहां से कर्जा लिया हुआ है वो आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं वो कर्जे वाले, तो आप दुखी हो अंदर से, लेकिन आपको फील क्या करना है, नहीं फील नहीं सॉरी, द सीक्रेट जिन लोगों ने पढ़ा है तो वो सोचते क्या है, मैं अमीर हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अमीर हूं, मेरे पास बहुत पैसा है। 2 मिनट का अभ्यास करते हैं, 2 मिनट के अभ्यास से क्या घंटा होने वाला है तुम्हारे साथ में, तुमने क्या मिड ब्रेन एक्टिवेट किया हुआ है अपना, उनकी तो मैं एक बार मान भी लूं, क्या तुम्हारी थर्ड आई ओपन हो गई है, 1.25% कुछ भी वो हो गई है, उनकी तो मैं एक बार मान भी लूं, लेकिन फिलहाल मैं इस बारे में बात नहीं करता। नॉर्मल लोगों के लिए मैं बता रहा हूं जो ध्यान नहीं करते, जो जिनका थर्ड आई ओपनिंग के अभ्यास नहीं करते, मिड ब्रेन एक्टिवेट नहीं है, मैं उनके बारे में बता रहा हूं आप लोगों को। वो सिर्फ सोचते हैं, सिर्फ वो विचार लेके आते हैं 2 मिनट के लिए, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, लेकिन बाद में फिर फुल डे क्या सोचते हैं, मतलब तूने 2 मिनट सोचा कि मैं अमीर हूं, 2 मिनट बस, और बाकी जो तू 2 मिनट कम 24 घंटे जो तू सोच रहा है परमानेंटली, 24 घंटे जो तू सोच रहा है, हाय मर गया, हाय क्या क्या, हाय हे भगवान, हे भगवान बचा ले, हे भगवान, हे भगवान कर्जे वाले का फोन ना जाए, हे भगवान कर्जे वाले का फोन ना जाए, तो फिर क्या होगा, क्या मिलेगा तेरे को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये तो बोलता है ना कि जिस बारे में आप ज्यादा सोचते हो वो चीज आपके जीवन में अट्रैक्ट होती है, यही तो बोलता है ना। तो तुम मैक्सिमम टाइम सोच क्या रहे हो मुझे ये तो बताओ, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है टारगेट बनाने के लिए कि भाई एक टारगेट बना लो, दीवार पे टांग दो, दीवार पे टांग दिया, 2 मिनट सोच लिया। वो तो ये भी बोलता है कि अगर आपने, आप बेशक 1 लाख रुपए साल के कमा रहे हो, लेकिन अगर आपने सोच लिया कि 1 करोड़ रुपए साल के कमाऊंगा, जो कि दिमाग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तुम अपने दिमाग को अगर ये बताओगे कि मेरी औकात 1 लाख रुपए साल की कमाने की है, तो वो तेरे को 1 लाख ही देगा। तू उसको बोलेगा कि 10 लाख रुपए साल के कमाने की मेरी औकात है, तो वो तुझे 10 लाख देगा। तू 1 करोड़ बोलेगा तो वो 1 करोड़ भी देगा, लेकिन फील कहाँ है, फील कहाँ है, भावना भाव भाव, मतलब एक अच्छी सी एक टैगलाइन देख करके एक रिक्शा चलाने वाला आदमी जाके एक सेमिनार में बैठ जाता है, वहां पे उसको सिखाया जाता है तुम आज 500 रुपए डेली के कमाते हो,
आज से ये अभ्यास शुरू करो, अपने विचारों में सोचो मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं, तो तुम एक साल में करोड़पति बन जाओगे। वो आ जाता है सीख करके, डेली 5 मिनट 10 मिनट अभ्यास करता है, मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं, लेकिन फील नहीं है, फील नहीं है बाबा, फील नहीं है। वो बिना फील के सिर्फ बोल रहा है खाली, विश्वास उसको भी नहीं है कि 1 करोड़ रुपया आएगा। तो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट, मैं आपको एक एक चीज आपको बताऊंगा, कम से कम 50 वीडियोज मैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बना सकता हूं कि आप छोटे छोटे गोल किस तरीके से प्राप्त कर सकते हो। छोटे गोल को मतलब समझते हो आप? सपोज मेरे को लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप चाहिए, मेरी औकात नहीं है अगर पेंसिल खरीदने की, तो अभी लैपटॉप का सपना मत देखना। लेकिन अगर मेरी औकात है कि मैं लैपटॉप ले तो सकता हूँ, लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि अभी पैसे इकट्ठा करूंगा, पापा से मांगूंगा, मम्मी से मांगूंगा, इकट्ठा करूंगा थोड़ी जो वो से इकट्ठा, तब लैपटॉप लूंगा, ठीक है। तो लेकिन फिर आप जो है ना इस फार्मूले के ऊपर विश्वास करते हो, विश्वास करके आप ये एक फील करते हो कि जैसे लैपटॉप मेरे पास आ गया, क्योंकि तो वाजिब है, ये वाजिब है कि आ सकता है लैपटॉप, इतनी बड़ी चीज नहीं है। तो लैपटॉप को आप जल्दी, बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लोगे आप, आराम से कर लोगे। आपका 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर है बिजनेस का, आपको नेक्स्ट ईयर 5 करोड़ का चाहिए, आप उसको फील कर सकते हो आराम से। लेकिन आपका 1 करोड़ का टर्नओवर है अभी बिजनेस का, और आपने कोई ऐसी कोई वीडियो देख ली, ऐसे किसी सेमिनार में चले गए जो आपको बोलते हैं यस यू कैन डू इट, इफ यू थिंक यू कैन डू इट तो थिंक एंड डू दैट। तो अगर ऐसे सेमिनार में आप चले गए जो अपना धंधा बनाने के लिए ये मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं, अगर ऐसे सेमिनार में जाके बैठ गए आप, अभी आपका टर्नओवर 1 करोड़ का है और आप वहां से सपना ले गए अगले साल मेरा टर्नओवर 100 करोड़ का होएगा, देख लेना। अपने दिमाग को बेवकूफ बना रहे हो, बन जाएगा तुम 100 बेवकूफ, ऐसे ही बन जाएगा बस, ऐम ही। वो पूरा दिन तुमसे झगड़ा करेगा, अबे कैसे करेगा 100 करोड़ बता तो सही। वो बोलता है करेंगे ना, रात को फिर 2 मिनट अभ्यास करूंगा, हो जाएगा 100 करोड़, हो जाएगा 100 करोड़। अरे भैया, ओ भाई मेरे, ये सारी चीजें नहीं होती है, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करनी चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सत्य है, सच है, लेकिन ऊट पटांग हरकतें करना वो वाजिब नहीं है। एक विधवा महिला है जिसका पति नहीं है, जिसको 500 हजार रुपये की पेंशन आती है हर महीने या 6 महीने में जो भी, और वो आपकी सेमिनार में आके बैठ जाए और वो डेली अभ्यास करने लगे कि अगले महीने मुझे 1 करोड़ आएंगे, अगले महीने मुझे 1 करोड़ आएंगे, अगले महीने मुझे 1 करोड़ आएंगे, ना तो उसका दिल गवाही देगा, ना उसका जो फील है ना उसको वो गवाही देगा, तो प्रकृति उसके लिए घंटा काम नहीं करेगी। कुछ फील आना जरूरी है, जिसको बोलते हैं विश्वास। विश्वास तो विश्वास हमारा ब्रेन को, ब्रेन का बेवकूफ बनाना आसान नहीं है, ना 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 ना, उसको बेवकूफ बनाना आसान नहीं है बिल्कुल भी। तो हमको अपने ब्रेन के मुताबिक फील लेके आना पड़ता है, जिसमें कम से कम वो भी एग्री हो जाए। अगर आपका ब्रेन एग्री हो गया, आपका जो चेतन मन होता है ना, जो तार्किक बुद्धि, अगर वो एग्री हो गई तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। सपोज मैं अगर अगले 6 महीने में ये सपोज करता हूँ कि मेरे पास अभी i20 है अभी मेरे पास अभी, और मैं ये सोचता हूँ कि मैं अगले 6 महीने के अंदर फॉर्चुनर ले लूंगा, फॉर्चुनर का सपना देख रहा हूँ मैं, आएगी आएगी आएगी, आ जाएगी, आ गई है, आ गई है, मिल गई है, ले ली है। उसको पता है कि बंदे ने वैगनार ली उस टाइम पे जब मैं 21 साल का था, बंदे ने फिर मतलब पुरानी ली थी पहले, फिर नई सेंट्रो ली, नई सेंट्रो एकदम 1.5 साल बाद, फिर उसके 1.5 साल बाद मैंने i20 ली। तो अभी सोच रहा है बंदा तो फॉर्चुनर भी ले लेगा, तो वो मेरा साथ देगा, मुझे सुझाव देगा, प्रकृति भी देखेगी, हाँ यार ये कर लेगा यार बंदा, सोचा भाई कर लेगा यार ये। तो ये सब कुछ चलता है, लेकिन एक आदमी के पास साइकिल तक नहीं है, तो जॉब नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो तुम्हारी सेमिनार में गया और जाके बोल रहा है कि हाँ
अगले 6 महीने में मेरे पास फॉर्च्यूनर होगी, फॉर्च्यूनर होगी भाई, 1 घंटा। अरे भाई लॉजिक भी तो कोई चीज होती होगी कि नहीं होती होगी। तो रियल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाँ मैंने यहाँ के बहुत पावरफुल बात बोली थी, मैंने यहाँ पे एक बहुत पावरफुल बात बोली थी, वो ये कि हमारे दिमाग को नहीं पता होता है कि क्या छोटा है क्या बड़ा है, वो हम ही उसको बताते हैं कि 100 करोड़ तो भाई बहुत बड़ा है। नहीं विचारों में तो बोल लिया 100 करोड़ की टर्नओवर होगा, 100 करोड़ का टर्नओवर होगा, लेकिन फुल डे जो तुम उसके साथ फिर बातचीत करते हो, 100 तो यार ज्यादा नहीं हो गया क्या, कुछ थोड़ा ज्यादा हो गया यार। तो ये ड्रामे चलते रहते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो अगर ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक करके यार सपोर्ट करो थोड़ी सी। तो फिर मैं आपके लिए लो अट्रैक्शन पे बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि आप किन चीजों को कब किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हो, गेट कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके दोस्तों, चलो काफी हुआ भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।